पटना बिहटा कोइलवर आरआर रोड पर है। कोइलवर पुल का उद्घाटन 14 मई 2022 को हो गया है। कोइलवर पुल अब 6 लेन का पूरी तरह से हो गया है। बक्सर से आरा, आरा से पटना जो 4 लेन रोड का निर्माण होना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड जो है यहाँ से चौड़ा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ से नैरो हो रहा है और नैरो होकर के संकीर्ण होकर के ये 2 लेन का हो गया। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपको यहाँ से लेकर के चलेंगे कोइलवर 6 लेन ब्रिज तक होते हुए जो नया वाला फ्लाईओवर बना है उसके माध्यम से पहली बार राइड करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि मेरे कैमरे में क्या कैद होता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट नेम कोइलवर भोजपुर पैकेज 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट चेन्नई 33,250 इंड चेन्नई 77,10 प्रोजेक्ट लेंथ 43.85 किलोमीटर। तो ये है जो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इस तरफ आरा की तरफ, ये देख सकते हैं ज्वाइंट वेंचर है पीएनसी और एसपीएस का। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 लेन रोड, अब यहाँ से हम चलेंगे और आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो ये है आपका 4 लेन रोड जो यहाँ से शुरू हो रहा है चैनेज 33+260 पे और ये 280 इधर से बढ़ते हुए जा रहा है, 33+300 ये बढ़ते हुए जा रहा है और ये आपको बता दें कि 33+340 से चले गए इधर से पटना जो होगा, पटना 4 लेन रोड जो होगा वो होगा। आपको याद होगा कि यहाँ पे जो पुराने वाले रोड से आते थे, पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि पिछली बारिश में जब हम आए थे यहाँ पे, देखिए दे दिया गया है आरा और चांदी जाने के लिए आपको सीधे जाना होगा। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं इसे जो डिवाइडर है मीडियन जो है उसमें स्नान कर रहे थे, लग रहा था जैसे कि तालाब है उसमें बच्चे स्नान कर रहे हैं, अब वो मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं और ट्रक देखिए कैसे भरा हुआ है, लोडेड है और ये लग गया है, यानी कि 2 लेन अब आपको 1 लेन का दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में, चलिए चलते हैं आपको पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय है पूरब यादव टोला, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डाइवर्सन का बोर्ड अभी भी है। देखिए रोड चालू हुआ है 14 तारीख को, टर्न करके उस तरफ जाने का है ये देख सकते हैं और लोग लेकिन फिर भी उधर क्यों जा रहे हैं भगवान जाने। ये अभी ये वाला लगता है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इधर से लोग यहाँ पे जा रहे हैं, कृपया धीरे चले मीडियन है और लोग उधर से जा रहे हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी होना पाता और रॉन्ग साइड से ही लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने पटना का बिहार का नया रोड, नई सड़क आपके सामने है जो चौराहे में 4 लेन है और अभी चूंकि उद्घाटन हो गया है इसका, लेकिन थोड़ा सा अभी फिनिशिंग अभी बाकी है, फिनिशिंग वर्क बाकी है और कई काम बाकी है जो हो जाएगा चलते चलते। ट्रैफिक वाला की ट्रैफिक के लिए ये खोल दिया गया है, लोग आसानी से आ जा रहे हैं और ये वो फ्लाईओवर है जो पुरानी वाली सड़क जो पुरानी वाली सड़क जो थी जो पुराने वाले पुल पे जाती है उसको ये क्रॉस कर रहा है ये फ्लाईओवर। यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड की चौड़ाई और रोड की क्वालिटी देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और अभी मिट्टी वगैरह यहाँ पे ये सब भरना बाकी है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उद्घाटन के बाद की ये तस्वीर देख रहे हैं आप और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर जिस पर से हमने आपको इसके पहले का वीडियो दिखाया था जिसमें हम क्रॉस नहीं कर पाए थे, लेकिन आज इस फ्लाईओवर की मदद से हम क्रॉस करेंगे इस रोड को, पुराने वाले रोड को क्रॉस करेंगे जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये कनेक्टेड है, ये हम कोइलवर पुल आपको यहाँ से
दिखने लगा होगा। काफ़ी मुश्किल से कोइलवर पुल का अपडेट देने के लिए आते थे, कितनी परेशानी होती थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी अधूरा है, ये अभी काम चल रहा है और वो पुरानी वाली सड़क भी आपको दिख रही है, तो ये काम अभी बचा हुआ है, इसको होना बाकी है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ट्रैफिक भी एक ही तरफ अभी चालू है, दूसरा तरफ वाला पुल जो है, दूसरे तरफ वाला जो पुल है उसको अभी फ़िलहाल लगता है कि बंद कर दिया गया है, एक ही तरफ से आप जा सकते हैं। पहले उधर से जाते थे तो ये मिट्टी वगैरह भरने का काम ज़्यादा दिन का काम नहीं बचा हुआ है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर काम इनका चल रहा है, उद्घाटन हो गया है, ये देख सकते हैं, लेकिन काम चल रहा है। और पुराना वाला पुल जो जिसमें नीचे से छोटी गाड़ियाँ, ऊपर से बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेन चलती है, वो इधर है। तो नए वाले पुल पे अब हम राइड मार रहे हैं दूसरी बार, इसके पहले भी हम राइड मार चुके हैं एक बार, जो हम आपको दिखाए थे। अब ये पूरी तरह से, ये देखिए, तीन लेन की चौड़ाई है इधर, एक तरफ 2x3 इसकी चौड़ाई है। सोन नदी है, सोन नदी के बारे में तो आपको पता ही होगा, और सोन नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। 1.5 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है, इसलिए अगर इस पुल के लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ दिस न्यू कोइलवर 6 लेन ब्रिज की बात करें, तो ये 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 कितना कुछ है। देखिए गाड़ी की स्पीड देखिए, लोग मतलब कि गजब का लेकिन गाड़ी चलाते हैं भाई। देखिए बहुत मुश्किल से कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ है, हो रहा है हमारे यहाँ, उसको देख रेख करना हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारा भी कर्तव्य है। तो कम से कम पुल पे तो कम से कम गाड़ियों को ठीक से चलाए कीजिए। ये देख सकते हैं, मॉनसून के पहले एक नई सौगात अगर देखा जाए, बिहार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2022, तो ये आपको दिखेगा। डेवलपमेंट मतलब कि 2022 के पाँचवें महीने में आपको ये ब्रिज कंप्लीट करके दे दिया गया है। अप्रोचेज पे काम चल रहे हैं, वो तो चलता ही रहेगा, और लेकिन ये पुल तो काफ़ी पहले कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन देर हो रहा था अप्रोच की वजह से, तो इसके लिए उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसका लंबाई है, और चौड़ाई तो आपको पता ही है। नहीं पता है तो पुराना वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको जो इंजीनियर, साइट इंजीनियर जो बताए थे आपको पूरा डिटेल इस ब्रिज के बारे में, वो आपको मिल जाएगा उसमें। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये आपका 3 लेन अभी फ़िलहाल इधर वाला उधर वाला कुछ अप्रोच की वजह से या कुछ की वजह से वो अभी नहीं चालू हुआ है, लेकिन ये चालू हो गया है, ये देख सकते हैं। और गाड़ियां तो लोग इससे चला रहे हैं। सच बताएं तो डिस्टेंस आरा और पटना के बीच का जो डिस्टेंस है, वो एक तरह से समझिए तो ऐसा लगेगा जैसे घंटों का सफ़र अब मिनटों में हो रहा है, घट गया, सिमट गया, समय सिमट गया। आरा यहाँ से 11 किलोमीटर है, आरा की दूरी कोइलवर से देखा जाए तो 11 किलोमीटर, और बक्सर 88 किलोमीटर, छपरा 29 किलोमीटर है। अगर आप वीर कुंवर सिंह सेतु से जाते हैं तो आरा छपरा ब्रिज की मदद से जाते हैं, तो NH84 इसमें लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। तो अब हम ये आपको ये पुल क्रॉस कर गए हैं और इसका उद्घाटन हो चुका है, तस्वीर आपके सामने है, ये देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इधर का अप्रोच भी करेक्ट कर दिया गया है, पहले उधर से हम लोग आते थे जाते थे, लेकिन अब ये रास्ता भी अब चालू हो गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उस रास्ते में कुछ काम चल रहा है जिसको लेकर के ये अभी फ़िलहाल उधर नहीं कुछ हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। और यही पे ये वो जगह है जहाँ पे उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन की जगह यही है जो अभी टेंट लगाई है, ये सामने देख सकते हैं, ये अभी हैंगर जो है लगा हुआ है। और यहाँ पे हम सब के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय परिवहन मंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री का ये है, ये देख सकिए यहाँ पे कल काफ़ी चहलकदमी रही होगी, रौनक रही होगी, जो अब
सिमटा जा रहा है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, श्री आर के सिंह माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीन और नवीनकरण के कार्यक्रम द्वारा ये हुआ है, और नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है इस ब्रिज का। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का ही पोस्टर है और हमारे नितिन गडकरी जी का ही पोस्टर है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे लोकल स्तर पर भी बनाया गया है, कई लोग, कई गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है 266 करोड़ की लागत से NH-30 के कोयलवर में सोन नदी में बने 3 लेन 1.528 डेढ़ किलोमीटर से 280 सेंटीमीटर ये है। तो ये है 14 मई 2022 से दिन शनिवार 12:30 बजे, मतलब अपराह्न अभी 10:12 हुआ है, यानी कि अभी 24 घंटे भी इस पुल के उद्घाटन किए हुए नहीं हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नितिन गडकरी जी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन नवीन जी, संजय जायसवाल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देख सकते हैं ये तस्वीरों में साफ। अब जो है पूरी सिमट गई है। तो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक बिग प्रोजेक्ट, बिहार के बिग प्रोजेक्ट का अपडेट हमने देने का कोशिश किया है। दूरियां सिमट गई है, मतलब कि अब कम समय में लोग पटना आ जा सकेंगे। ये एक नया अध्याय विकास का, ये जो चैप्टर है, एक नया अध्याय है जो आप देख रहे हैं। जहाँ घंटों जाम में लोग फंसे रहते थे, अब मिनटों में चुटकी बजाते हुए लोग यहाँ से पटना, यानी कि आरा से पटना या पटना से आरा आ जा सकेंगे। कोई भी बाधा अब उनके रास्ते में नहीं आएगी। अभी और भी काम बाकी है, इसका 4 लेन जब तक पटना तक नहीं होता तब तक अभी इसका काम बाकी है। पटना बक्सर रोड 4 लेन रोड का जो जब तक कम्प्लीट पूरी तरह से नहीं होता तब तक आवागमन थोड़ा सा कष्टदायक रहेगा, लेकिन स्मूथ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे पोस्टर देख रहे हैं जिसमें आपको सब कुछ दिख रहा है, डिटेल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय। मुजफ्फरपुर 100 किलोमीटर, पटना 42 किलोमीटर, गया 116 किलोमीटर।